सही बात है सर। बस सर मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मैं आपसे फ़ोन करके बात करता हूँ। ठीक है सर, बस 11 बजे से मेरी क्लास है, मैं क्लास ले करके फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर, अनु जरा जो पेन दिए थे वो कहाँ है? गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों बाद हम लोग दोबारा वापस अपना क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस दौरान हम लोग ने अपने जो चैप्टर शुरू किए थे, जिनमें से हम लोग प्लांट किंगडम तक पहुंच चुके थे, उसमें से हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम एनजाइटी को फॉलो किया और अपने टॉपिक को पढ़ने की कोशिश की। जस्ट बिकॉज हम लोग फ़ोन के थ्रू एक दूसरे से मिलते रहते हैं, हम लोग कभी आपस में एक दूसरे के अक्रॉस नहीं आए, मिले नहीं आपस में, तो कई बार लैक ऑफ यू नो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से शायद आप लोगों के क्वेश्चन या मेरे तक नहीं पहुंच पाते, या मैं आपसे पूछ नहीं पाता जो मैंने पढ़ाया है। ये एक बड़ी समस्या है हम लोगों के बीच में। वैसे तो हम लोग का एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने बॉयज़ का ग्रुप और गर्ल्स का ग्रुप अलग अलग बना के रखा हुआ है, और उस ग्रुप में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बजाय पर्सनली पूछने के उस ग्रुप में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं सर कि एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आ रही है। और एक बात आपसे ये करनी है, आपने इस बार का अगर पेपर देखा, अगर आपने इस बार का पेपर देखा, अगर नहीं भी देखा तो आप एक बात को ध्यान से देखिए कि टोटल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन थे। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास बड़ा इशू नहीं है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करें, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करें, तो हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे आने वाले भी एग्जाम्स में हमें हमारे पास बड़ी समस्याएं नहीं आनी चाहिए अगर हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फोकस करिए। दूसरा, कोई भी एक बुक जिससे आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लगाते जाइए। इसके अलावा ओमेगा से
क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, नहीं मिली है तो आप उसके ओके थोड़ा बीच बीच में कनेक्शन का गड़बड़ है, प्लीज डोंट वरी। सो क्वेश्चन पीडीएफ आप ओमेगा से ट्राई करिए कि वो आपको मिले। दूसरा, वीडियो देखते वक्त कई बार आपको ब्लरिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर कई बार आपको विजुअलाइजेशन कम होता है या साफ कम दिखता है, तो आप अपने यूट्यूब में जा करके जहां पर व्यूअर होता है यूट्यूब में, वहां पर तीन ये लाइनें बनी है, यहां पर क्लिक करिए और यहां पर आप अपना विजन 720p या फिर 480p की तरफ ले जाइए, ये वाला सेलेक्ट करिए। इससे आपका विजन थोड़ा क्लियर होगा, और क्योंकि हम लोग ये होम बेस्ड वीडियो बना रहे हैं और होम बेस्ड वीडियो बनने पर कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ नहीं है, और इस वजह से कई बार आपके पास जो वीडियो आता है वो थोड़ा ब्लर आता है, तो आप इसे करने की कोशिश करिए। और इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, ये मेरा नंबर है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, इट इज़ 9319055284। इस वाले नंबर पे आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं कि सर क्या समझ में नहीं आ रहा है, और बिल्कुल परेशान मत होइए, पेपर बहुत इजी है। हाँ, लेकिन समय हमारे पास केवल 6 महीने 7 महीने का है, 7 महीने के बाद हमारा एग्जाम दोबारा होगा, मे बी मई और जून। अगर इतना कम समय है तो कोर्स हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग आपस में दोनों तरफ से मेहनत की जरूरत है। शुरुआत के 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम की भी 2 क्लासेस कर रखे हैं। इसके अलावा एक बैच है जो 22 सितंबर 22 सितंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, 22 सितंबर, और इस 22 सितंबर में फिर से हम लोग लिविंग वर्ड से टॉपिक चालू करेंगे। तो वो बच्चे, जिन बच्चों का इस बैच में लिविंग वर्ड छूटा हुआ है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन छूटा हुआ है, ये 22 सितंबर वाले बैच में आकर के अपना कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर से याद रखना, कोई भी अगर टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो आप 22 सितंबर, वैसे आपके पास वीडियो वैसे भी पड़े हुए हैं, तो जिन लोगों के पास, ये कहने का मतलब है कि सर हमने पुराने क्लासेस नहीं किए हैं, ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी भी कर सकते हैं। लाइव क्लास करने का मन हो तो 22 सितंबर से भी आप आ सकते हैं। बाय द वे, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और एनसीईआरटी में पेज नंबर हम लोग 30, 31 और 32 की तरफ चलते हैं। तो एनसीईआरटी 1 और पेज नंबर 30, 31 और 32 इसकी तरफ चलते हैं, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द, यू नो दैट, अबाउट द एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था, और हमने कहा था कि एल्गी एक सी वीड है, और इसके 8 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, अगर आप लोग भूले नहीं हैं। पहला पॉइंट था हैबिटेट, प्लीज ये आपको बोलते रहना चाहिए, इससे रिविजन होता है। दूसरा पॉइंट था फॉर्म, हम ये देखते थे कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। तीसरा पॉइंट था मॉर्फोलॉजी, यानी एल्गी देखने में कैसा दिख रहा है। इसके अलावा था एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी एनाटॉमी कैसी है। तो हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड। इसके अलावा आपके पास था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। इसके अलावा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे प्लांट के द्वारा, एक था बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सॉरी दैट वाज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये एल्गी इस दुनिया में क्या करने आए हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, और इसके अलावा हमारे पास एक, इसका एक और था, दैट वाज द क्लासिफिकेशंस एंड एग्जांपल्स। पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ,
अगर आप लोग इन सब के बारे में जानते हैं देन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कई बार बेटा क्या होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको आइडिया नहीं लग पाता कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो ठीक है, हमारे सामने हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट हो गया फॉर्म, तीसरा पॉइंट हो गया मॉर्फोलॉजी, चौथा टाइम पॉइंट हो गया एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, इसके बाद हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हुआ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हुआ यू नो दैट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हुआ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स। और अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो हमने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिया, एल्गी की रानी है पानी में रहता है, फॉर्म पढ़ लिया मे बी यूनिसेलर मे बी मल्टीसेलर, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, एनाटॉमी की जरूरत नहीं थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ये दो क्लासेस में पढ़ रखा है हमने एल्गी के बारे में। आज हमारे पास ये दो बातें पढ़ने के लिए हैं, एक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, दूसरा क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स। सो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स की तरफ और इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जब कभी हम लोग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी कोई भी पौधा इस दुनिया में आया है तो वो पौधा उस इकोसिस्टम के लिए कितना फायदेमंद है। पानी में रह रहा तो पानी के लिए कितना फायदेमंद है, लैंड में रह रहा तो लैंड के लिए कितना फायदेमंद है, एयर में रह रहा तो एयर के लिए कितना फायदेमंद है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब होता है मॉनेटरी व्यू से, इकोनॉमी से, मुद्रा से, आप उस पौधे से कितना व्यापार कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारे एल्गी की बहुत है। तो इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है इट इज फॉर इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द एल्गी, एल्गी आर ग्रीन, एल्गी ग्रीन है और इनके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, एल्गी ग्रीन है इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और जरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखने की कोशिश करिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल प्रोड्यूस C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल स्टार ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज आगे चल के बनाता है स्टार्च और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यह है कि क्लोरोफिल रखने की वजह से एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस दुनिया का ऑलमोस्ट 50% फोटोसिंथेसिस केवल एल्गी कर रहे हैं। तो आप सोचो, इस दुनिया में जितने भी ग्रीन पौधे हैं सब फोटोसिंथेसिस करते होंगे, आम नीम सब कुछ फोटोसिंथेसिस करता होगा, आम नीम के अलावा एल्गी भी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा पहला पॉइंट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस, टोटल जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इवन एल्गी, सब ग्रीन है, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस का 50% अकेला एल्गी कर रहा है।
तो पहला पॉइंट हमें इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात रखनी है दैट एल्गी परफॉर्म ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ टोटल यूनिवर्स और द टोटल अर्थ, आई एम सॉरी, टोटल अर्थ में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% फोटोसिंथेसिस अकेले एल्गी कर रहे हैं. गॉट इट? अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हुई, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, एल्गी डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट. दूसरा पॉइंट है कि वो जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व कर देते हैं. मान लो एल्गी पानी में रह रहे तो पानी में ऑक्सीजन इवॉल्व कर दे, मॉइस्ट प्लेस में रह रहे पत्थर में तो एयर में वो ऑक्सीजन इवॉल्व कर दे. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी और ऑक्सीजन निकलेगी. तो आपके सामने टोटल 6 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, जिसमें मैंने 2 आपके सामने अभी अभी लिखी. तो प्लीज इसे लर्न कर लीजिए और मुझे बताइएगा. पहला पॉइंट, एल्गी ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते वक्त इनमें ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है. तो इस दुनिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड अकेले एल्गी फिक्स कर रहे. और दूसरा पॉइंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है तो ऑक्सीजन निकल रही है, तो याद रखना जिस भी एनवायरनमेंट में बेटा, जिस भी एनवायरनमेंट में एल्गी होंगे उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को वो इवॉल्व करके डिसॉल्व कर देंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे और ऑक्सीजन को उसमें डिसॉल्व करते जाएंगे. ये है दूसरा पॉइंट. ओके, नाउ तीसरा पॉइंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का, सम एल्गी आर एडिबल. अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबल. They are used as food. बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जिन्हें हम लोग और हमारे जैसे लोग फूड की तरह यूज करते हैं. बहुत सारे हमारे ह्यूमन बींग में बहुत सारे लोग हैं जो फूड की तरह यूज करते हैं. यस, बुक लिखती है ऑलमोस्ट 70 species ऑफ एल्गी आर एडिबल. लगभग 70 स्पीसीज एल्गी की ऐसी हैं जिनको खाया जा सकता है, जिनको खाया जा रहा है या कहीं कहीं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में खाया जा रहा है. इनमें से 3 के नाम एनसीईआरटी ने रख दिए हैं, LPS, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, LPS. वन इज नोन एज लैमिनेरिया, नंबर 2 इज नोन एज स्पोरोफाइरा एंड नंबर 3 इज नोन एज सार्गेसम. लैमिनेरिया, पॉरफाइरा एंड सार्गेसम, ये 3 मुख्य स्पीसीज हैं, लैमिनेरिया, पॉरफाइरा एंड सार्गेसम, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं. याद रखना इनमें से लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आप लोग जानते हैं आयोडीन नमक में भी यूज करते हैं, आपको मालूम है घेंगा रोग को बचाने के लिए भी होती है, दैट इज द ग्वाइटर. तो लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन. और ये वाला क्वेश्चन कई सालों पर पूछा गया, पहले सीपीएमटी के समय में तो बहुत पूछा जाता था कि बताइए कौन सा एल्गी है जिससे हम लोग आयोडीन निकालते हैं. तो लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन. लैमिनेरिया, पॉरफाइरा एंड सार्गेसम, दे आर एडिबल इन नेचर. सो सम एल्गी आर एडिबल, यूज्ड एज फूड. ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी आर एडिबल, लगभग 70 स्पीसीज ऐसी हैं जो एडिबल हैं, जिनमें लैमिनेरिया, पॉरफाइरा और सार्गेसम, ये वो स्पीसीज हैं जिनको हम लोग एज अ फूड की तरह यूज कर रहे हैं. तो प्लीज इसे भूलिएगा मत. इसके अटैचमेंट पे, सो आई एम वेरी मच सॉरी, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है. थैंक यू वेरी मच. ओके,
आई एम सॉरी, थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत है और ये नेट है, इस पर मैं कुछ कर नहीं सकता, सो आई एम ट्राइंग। चलिए, सो अब आया चौथा पॉइंट, एक बार मैं कैमरे के और चेक कर लेता हूँ। तो चौथा पॉइंट जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देता है हमारे पौधों के लिए, वो है बेटा एल्गी की सेलवाल। वैसे तो एल्गी की सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, बट इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन भी होते हैं, इनकी सेलवाल में कुछ सेकेंडरी डिपोजिशन होते हैं, यानी एल्गी में सेलुलोज के अलावा भी कुछ और चीजें डिपॉजिट होती हैं, और इन सेकेंडरी डिपोजिशन में कुछ कंपाउंड हैं जिनका नाम है हाइड्रोकोलाइड्स। आप इन्हें प्लीज ना भूलें, हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड्स वो सब्सटेंस हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, दे हैव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो याद रखना, एल्गी की सेलवॉल में सेलुलोज के साथ सेकेंडरी डिपोजिशन होते हैं, सेकेंडरी डिपोजिशन होने, इन सेकेंडरी डिपोजिशन में एक सेकेंडरी डिपोजिशन का नाम है हाइड्रोकोलाइड, और इन वाटर हाइड्रोकोलाइड में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और जो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इंडस्ट्री में बड़े काम आते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी काम आते हैं, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम आते हैं। इनमें से दो हाइड्रोकोलाइड्स के नाम आपको एल्गी से बहुत याद रखने चाहिए। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब है ये कोलाइडल नेचर के हैं, कोलाइडल नेचर के हैं, और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी वाटर को होल्ड करने वाले कोलाइडल नेचर के सब्सटेंस हैं। इन हाइड्रोकोलाइड में से एक हाइड्रोकोलाइड का नाम है एल्गिन और दूसरे का नाम है कैरेंजीन। याद रखेंगे, तो देयर आर टू हाइड्रोकोलाइड, वन इज नोन एज एल्गिन, अनदर वन इज नोन एज कैरेंजीन। जो ये एल्गिन है ये ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर से इसे निकालते हैं, ये लर्न करने वाली बात है। और जो रगा कैरेंजीन, ये रेड एल्गी नाम के एल्गी से निकालते हैं, रेड एल्गी। और याद रखना, ये रोडोफाइसी के नाम से इन्हें हम लोग बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रोडोफाइसियन। सो याद रखेंगे, चौथा जो मैंने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया है, दैट दे हैव द हाइड्रोकोलाइड्स। अगर मैं एक एक करके चारों याद करने के लिए आपसे बोलूं तो आपको क्या क्या याद आएगा प्लीज मुझे बताइए। पहला बताया था इस दुनिया की फोटोसिंथेसिस, 50% फोटोसिंथेसिस अकेले एल्गी कर रहे हैं। दूसरा बताया था कि इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस करते वक्त जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं वो ऑक्सीजन भी अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में लगभग 70 स्पीसीज ऐसी एल्गी की जिनको खाया जा सकता है, एडिबल, 70% नहीं 70 स्पीसीज। उनमें से तीन स्पीसीज के नाम बताए थे, LPS, लेमिनेरिया, पॉर्फाइरा, सर्गेशम, जिसमें से लेमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। इसके अलावा चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि भैया एल्गी में इनकी सेलुलोज के साथ, सेलवाल के साथ कुछ सेकेंडरी डिपोजिशन होते हैं जिनमें से एक का नाम है हाइड्रोकोलाइड, और हाइड्रोकोलाइड की खास बात होती है कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और ये वाटर को पकड़ के रखते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का में दो एग्जांपल है, वन इज एल्गिंग, दूसरा नाम है कैरेंजीन। एल्गिन निकाला जाता है ब्राउन एल्गी से और कैरेंजीन निकाला जाता है रेड एल्गी से। ब्राउन एल्गी से जो एल्गिन निकाला जाता है वो फियोफाइसी का मेंबर है, आपको मालूम है, और कैरेंजीन बेटा रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी का मेंबर है। और याद रखना पड़ेगा, ये एल्गिन एंड कैरेंजीन बड़ा इंडस्ट्रियल यूज आते हैं, तो याद रखना ये इकोलॉजिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा पॉइंट पढ़ लेने के बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है। यस, ये भी नेम से पूछा जाता है, जो पांचवा हमारा इंपॉर्टेंस है, इट इज अगार अगार जेल, अगार अगार जेल, या फिर इसी को हम लोग एगरोज जेल को बोलते हैं, एगरोज जेल। ये एक जेलेटिनस सब्सटेंस है, अगार अगार इसे बोलते हैं, एगरोज जेल। और ये अगार अगार जेल जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से निकाला जाता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से अगार अगार जेल निकालते हैं। अब बोलेंगे सर अगार अगार जेल या एगरोज जेल का क्या यूज है? देखो, पहला यूज है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये डीएनए के सेपरेशन में काम आता है, डीएनए फ्रेगमेंट के सेपरेशन में बड़ा काम आता है। तो अगर जेल ना होता, ये एग्रोस जेल ना होता, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका मतलब जो डीएनए का सेपरेशन है ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें एगारोज जेल का बड़ा यूज है, अगार अगार जेल का बड़ा यूज है, और ये अगार अगार जेल जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से निकालता है। इसके अलावा एगारोज जेल यूज किया जाता है आइसक्रीम्स में, आइसक्रीम बनाने पर यूज किया जाता है, इसके अलावा जेलीज में यूज किया जाता है, इसके अलावा जेल्स में यूज किया जाता है। तो जो हम लोग जेलीज खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं या बेटा जेल्स खाते हैं, उन सब में बेटा एगरोज का यूज है। सो आपसे ये क्वेश्चन कई सालों तक पूछा गया, नो डाउट इस साल नहीं आया, पूछा गया एगरोज जेल किस एल्गी से निकाला जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और एक बात, ये जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है ये रेड एल्गी के मेंबर हैं। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको आ जाएगा। तो बताइए, चार के बाद पांचवा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपके सामने आ गया। तो पहले चार आप याद कर लें, पहला यस फोटोसिंथेसिस, दुनिया की 50% फोटोसिंथेसिस अकेले एल्गी कर रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन इवॉल्व, तीसरा एज अ फूड, चौथा हाइड्रोकोलाइड्स जो इंडस्ट्री में यूज था, पांचवा अगार अगार जेल जेलिडियम और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पांचवें के बाद हमारे पास छठवां एक छोटा सा टॉपिक आता है, एंड दिस इज अ एल्गल प्रोटीन या फिर सिंगल सेल प्रोटीन। ऑल दो एनसीईआरटी में सिंगल सेल प्रोटीन नाम का हेडिंग अभी नहीं है, बाद में। होता क्या है, देयर आर सम एल्गी लाइक क्लोरेला, ये एल्गी है। इसी तरीके से एक और ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट इज नोन एज स्पायरुलिना, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। एक क्लोरेला है और एक स्पायरुलिना है। क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। और क्लोरेला और स्पायरुलिना दोनों सिंगल सेल हैं, यूनिसेलुलर हैं। इस साल का क्वेश्चन है, नीट 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर एल्गी। तो यह नो डाउट इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो एल्गी के नंबर में कई लोगों ने क्लोरेला स्पायरुलिना को यूनिसेलुलर एल्गी लगाया, लेकिन लोगों ने माना क्लोरेला इज एल्गी, स्पायरुलिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन बना। क्यों कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन बना, कुछ लोगों के हिसाब से स्पायरुलिना इज नॉट एल्गी, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। सो इसके आंसर में बड़ी दिक्कतें हैं, अलग अलग कोचिंग ने अलग अलग आंसर दिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिलहाल यहीं छोड़ देते जब तक एनटीए का रिजल्ट नहीं आ जाता। फिलहाल हमारा काम क्या है, हम ये जान लें कि क्लोरेला हो या स्पायरुलिना हो, दोनों यूनिसेलुलर है और दोनों गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। और याद रखना, इन्हें एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जब बेटा अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला और स्पायरुलिना जैसे एल्गीज को लेके जाते हैं, इनसे बहुत सारी प्रोटीन निकलती है, दैट इज नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। और ये प्रोटीन उनको अंतरिक्ष में खाने के काम आती है। क्यों, क्योंकि सिंगल सेल है तो इनका वजन बहुत कम है, लेकिन इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, सो दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोटीन, सो दैट प्रोटीन इज नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। और ये क्वेश्चन भी आपकी बुक ने आपको बताया है। नई बुक में केवल क्लोरेला लिखा है क्योंकि एल्गी है, और पुरानी बुक में क्लोरेला और स्पायरुलिना दोनों लिखा है। कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे, सर आप तो प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो प्लांट किंगडम के अंदर क्लोरेला भी नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज क्लोरेला इज यूनिसेलुलर और प्लांट किंगडम मल्टीसेलुलर होता है। यस आई नो, लेकिन याद रखना एल्गी एक अलग क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अलग है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एल्गी जोड़े गए, तभी इसी वजह से हमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों पढ़ने पड़ते हैं। पर याद रहे, प्लांट किंगडम में केवल मल्टीसेलुलर एल्गी को ही वेलकम करते हैं। खैर,
तो ये थे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो 6 इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जो एनसीईआरटी में, ऐसे तो बहुत सैकड़ों इंपॉर्टेंस है लेकिन जो एनसीईआरटी में दी गई है वो 6 इंपॉर्टेंस है। पहला, इस दुनिया की हाथ ही फोटोसिंथेसिस। दूसरा, ऑक्सीजन इवॉल्व। तीसरा, खाने लायक एल्गी। चौथा, हाइड्रोकोलाइड। पांचवा, अगरोस जेल अगार अगार। और छठा, सिंगल सेल प्रोटीन जो कि क्लोरेला और स्पारुलिना से निकाली जाती है। आपकी बुक में इस समय पर केवल क्लोरेला दिया गया है, स्पारुलिना नहीं दिया गया। ओके, इसके बाद जब बेटा ये भी हो जाता है तो अगला पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन हमें सीखना चाहिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी डिपेंड्स अपॉन याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को किस वजह से अलग अलग क्लासिफाई किया गया, क्यों कोई रेड एल्गी हो गया, क्यों कोई ब्राउन एल्गी हो गया, क्यों कोई ग्रीन एल्गी हो गया। तो बोलते हैं जो एल्गी हैं उनको अलग अलग कई ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन किस बेसिस पर बांटा गया है। तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन एल्गी डिपेंड अपॉन, याद रखना, 3 बातों पर एल्गी का क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है। नंबर 1, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल दे कंटेन। कौन कौन से क्लोरोफिल इनके पास पाए जाते हैं इस बेसिस पर। दूसरा, टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट। इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा इनमें कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा, यस, स्टोरेज फूड मटेरियल। किस एल्गी ने कैसा फूड मटेरियल यूज करके रखा है, स्टोर करके रखा है। इसके अलावा, इन 3 बातों के अलावा चौथी बात भी है बेटा, दैट इज प्रोडक्शन। सो एल्गी का क्लासिफिकेशन ये कई बार पूछा गया है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एल्गी का क्लासिफिकेशन किन किन बातों पर निर्भर करता है। याद करते वक्त टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट, स्टोरेज फूड मटेरियल एंड सम टाइम रिप्रोडक्शन। और इस बेसिस पर टोटल 3 क्लासेस हैं जो एल्गी के बनाए गए हैं। 1 इज नोन एज क्लोरोफाइसी। ओके, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। चलिए, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फाइसी का मतलब एल्गी, एंड दैट्स व्हाई क्लोरोफाइसी आर आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी इज नोन एज, यस, ब्राउन एल्गी। एंड रोडोफाइसी इज नोन एज रेड एल्गी। सो मुख्यतः 3 प्रकार के एल्गी में इन्हें बांटा गया है। 1 इज नोन एज क्लोरोफाइसी, नंबर 2 इज नोन एज फियोफाइसी, नंबर 3 इज नोन एज रोडोफाइसी। और इनका बंटवारा टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट और स्टोरेज फूड मटेरियल के बेसिस पर हुआ है, अगर आप लोग सीख जाएं तो। तो हम लोग 8वां और आखिरी पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दैट विल बी डिपेंड अपॉन, यस, नंबर 1 बोलिए टाइप ऑफ क्लोरोफिल, कौन कौन सा क्लोरोफिल है इनके पास। नंबर 2 एसेसरी पिगमेंट, नंबर 3 स्टोरेज फूड मटेरियल, नंबर 4 रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा मैंने एक पोर्शन साफ कर दिया दूसरा आपके सामने, क्यों, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको यहीं पर लर्न कराना चाहता हूं। पहली बात, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, फियोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और रोडोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा।
तब आप कहेंगे जब सब में क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो तीनों अलग अलग हुए ही नहीं सर। तब मैं कहूंगा यस, इनको क्लोरोफिल ए की बेसिस पे अलग नहीं किया गया है, बल्कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी पाया जाता है, आप लोग ये याद रखेंगे, क्लोरोफिल सी। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी पाया जाता है। सो क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो हम अगर बोलें क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अलावा देयर आर सम एसेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल के अलावा इनमें कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन नाम का एसेसरी पिगमेंट पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ओके, ये सब लर्न करने पड़ेंगे आपको। फियोफाइसी में पाए जाते हैं जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन, एक हो गया फ्यूकोजैंथिन और दूसरा जैंथोफिल। और रोडोफाइसी में इन सब के अलावा पाया जाता है आर फाइको इरेथ्रिन, आर फाइको इरेथ्रिन। सो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट जनरेट हो जाती है और इस लिस्ट की बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर पाते हैं एल्गी के तीन मुख्य ग्रुप्स का। पहला है क्लोरोफाइसी जिसका दूसरा नाम ग्रीन एल्गी, दूसरा है फियोफाइसी जिसका दूसरा नाम ब्राउन एल्गी, तीसरा है रोडोफाइसी जिसका नाम रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। यस, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल। इसके बाद रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको इरेथ्रिन। अगर आप इतना याद कर पाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को किन किन बेसिस पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्लोरोफिल, एसेसरी पिगमेंट एंड स्टोरेज मटेरियल। स्टोरेज मटेरियल में एक एक करके आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं पहला ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर वन इज नोन एज क्लोरोफाइसी। चलिए फिर से बताइए, क्लोरो का मतलब ग्रीन, दिस क्लोरो वर्ड इज ग्रीन, क्लोरोफिल हरित लवक बोलते हैं ना, उसी तरीके से क्लोरो का मतलब ग्रीन, फाइसी का मतलब एल्गी। क्लोरोफाइसी ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। याद रखना, दे आर ग्रास ग्रीन इन कलर, ज्यादा तक ऐसे एल्गी जिनका कलर ग्रास की तरह हरा है। अगर आपने काई देखी है गांव में, आपने देखा होगा बेटा, जो हमारे जो कुएं हैं उनकी चट्टानों में जो काई लगी है, उन काई में ग्रीन कलर की जो बेटा आपको दिख रही, दैट इज एल्गी। सो उसमें हालांकि ब्रायोफाइटा के भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गी। सो ग्रास ग्रीन इन कलर, क्लोरोफाइसी मेंबर आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। अब आप बोलेंगे कि सर क्लोरोफाइसी को कैसे पढ़ा जाए जो हमें याद रहे, और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत से ही पढ़ा के रखा है बेटा। अगर आप वो भूलोगे तो सब भूलोगे। मैंने आपको पढ़ा के रखे हैं कि कोई भी ग्रुप हो, आप उन 8 पॉइंट को मत भूलिए। पहला पॉइंट था हैबिट एंड हैबिटेट। सर हमें क्लोरोफाइसी का हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा दीजिए, क्लोरोफाइसी रहते कहाँ हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर कहाँ कहाँ रहते हैं। तो पॉइंट इज हैबिट एंड हैबिटेट। ऑलवेज वी नो दे लिव इन वाटर, तो इनका जो वाट, इनका जो रहन सहन है वो है एक्वेटिक।
एक्वाटिक का मतलब वाटर ड्वेलिंग है, वाटर में रहते हैं। और याद रखना, दुनिया में दो तरीके का पानी है, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है मरीन वाटर। तो याद रखना, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। ग्रीन एल्गी की खास बात है, ये नदियों तालाबों में भी मिलेगी, समुद्रों में भी मिलेगी, यानी फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, मरीन वाटर में भी मिलेगी। कई बार आप अपनी एनसीईआरटी लिखोगे तो लिखा होगा ब्रैकिस वाटर, अब घबराइएगा मत, ब्रैकिस वाटर ये भी खारा पानी है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, वैसे ब्रैकिस वाटर भी खारा होता है। लेकिन ब्रैकिस वाटर बेटा वो वाटर है जहां नदियां समुद्रों से मिल रही हैं, ओशियन से नदियां मिल रही हैं, वहां का जो पानी है दैट इज ब्रैकिस वाटर। ईस्चुरीज का पानी या फिर डेल्टा का पानी है जिसे हम लोग ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। तो ये याद रखना, फ्रेश वाटर रह सकते हैं, मरीन वाटर कंडीशन में रह सकते हैं, और ये रह सकते हैं ब्रैकिस वाटर में। ये मॉइस्ट, पहले भी पढ़ा रखा है मैंने, ये मॉइस्ट वुड में रह सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन में रह सकते हैं, एटसेट्रा, ये काफी जगह पर रह सकते हैं। सो हैबिट एंड हैबिटेट, आपको मालूम है एल्गी जल की रानी है। एल्गी जल की रानी का मतलब क्या है, ये पानी में रह सकते हैं, कहीं पर भी पानी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, वहां रह जाएंगे। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद दे हैव द फॉर्म, पॉइंट टू इज फॉर्म। पूछा जाएगा कि भाई क्लोरोफाइसी का फॉर्म कैसा है, सो आप बताएंगे द क्लोरोफाइसी मे बी यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, मे बी मल्टी सेलुलर, और यहीं से दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर बंदा क्या काम कर रहा है। नो डाउट, यस, यूनिसेलुलर में इनके एग्जाम्पल हैं क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास। और याद रखना, ये क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास जैसे यूनिसेलुलर एल्गी, ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, ये प्रोटिस्टा में रहते हैं, याद रहेगा। और बात बचती है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में ये लोग कॉलोनियल हो सकते हैं, ये लोग फिलामेंटस हो सकते हैं। तो एल्गी कैन बी कॉलोनियल और फिलामेंटस, कॉलोनी बना के रहे तो बोलेंगे कॉलोनियल, और फिलामेंट बना के रहें, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बना के रहें, तो फिलामेंटस। इनमें से कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इट इज वॉल वॉक्स। और फिलामेंटस के एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। देखिए, 8 पॉइंट में अभी मैंने केवल 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, और इन 2 पॉइंट डिस्कस करने में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है तो इन्हें आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। 3 ग्रुप थे एल्गी के, उनमें से पहला ग्रुप हमने उठाया है, और पहला ग्रुप को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। आपके सामने मैंने क्लोरोफाइसी को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की, और आप समझ रहे हैं क्लोरोफाइसी इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, इतना याद रहेगा। यस, इनका ग्रास ग्रीन कलर होता है, ग्रीन एल्गी ग्रास ग्रीन कलर होता है। इनके क्लोरोफिल कंटेंट मैं पहले ही बता चुका हूं, आगे भी बता दूंगा। इनका हैबिट एंड हैबिटेट याद रखेंगे, ये पानी में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, नदियों और तालाबों के पानी में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, समुन्दर के पानी में रह सकते हैं, इसके अलावा डेल्टा और इस्चुरीज के वाटर में भी रह सकते हैं, जहां पर नदियां समुन्दर से मिल रही वहां पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट वुड में रह सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन में रह सकते हैं, गीली लकड़ी गीले चट्टानों में भी रह सकते हैं। इनके फॉर्म में, इनका फॉर्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जाम्पल है क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। और मल्टी सेलुलर में इनके एग्जाम्पल में हो सकते हैं कोलोनियल में वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। तो आपके सामने क्लोरेला भी ग्रीन एल्गी का मेंबर निकला, क्लमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी का मेंबर निकला, वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गी का मेंबर निकला, यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी का मेंबर निकला, और स्पाइरो वगैरह भी निकला। अगर आप लोगों ने इनके फॉर्म देख रखे हैं तो फॉर्म के अलावा इनकी मॉर्फोलॉजी मैं आपके सामने बता दे रहा हूं। चलिए,
अगर आपको मॉर्फोलॉजी देखनी है सिरिस, तो आप एक कॉलोनी वाली मॉर्फोलॉजी देखने की कोशिश करेंगे। सर कॉलोनियल एल्गी कैसे दिखता है? चलिए सर हमें मॉर्फोलॉजी दिखा दीजिए। किसी बच्चे ने कल मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज द कॉलोनी मींस। तो याद रखना किसी भी कॉलोनी में बहुत सारे एल्गी एक साथ रहते हैं, बहुत सारे एल्गी ग्रुप बना के रहते हैं, और इस ग्रुप में हर एल्गी इंडिविजुअलिटी होती है विद सम डिवीजन ऑफ लेबर, और इसके चारों तरफ जेलेटिनस कवरिंग होती है। सो दिस इज नोन एज कॉलोनियल एल्गी। एक साथ झुंड बनाकर रहना, दैट इज नोन एज कॉलोनियल एल्गी। ये ट्रू मल्टीसेलुलर कंडीशन भी नहीं है, लेकिन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच की कंडीशन है जिसमें बहुत सारे एग्रीगेशन के रूप में रहने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स बच्चों। और मॉर्फोलॉजी में ही मैंने आपको बताया था कि व्हेन दे फॉर्म द रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, मैनी सेल्स दे फॉर्म द रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कवर्ड बाय जेलेटिनस शीथ। दिस इज फिलामेंटस, और इस तरीके के फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे यूलोथ्रिक्स में और स्पाइरोगाइरा में। तो यहां पर भी मैनी सेल है, यहां पर भी मैनी सेल है, इसीलिए मैंने मल्टी सेलर कंडीशन में कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों को रखा है। वैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो थे वो यूनिसेलर एल्गी में रखे, और जो प्रोटिस्टा के मेंबर है जो एक कोशिकीय प्राणी है, और मैंने अलग रख रखा है। तो आपके सामने फॉर्म हो गया। फॉर्म के साथ एक और बात जुड़ी है कि ऑल द एल्गी आर यूकैरियोटिक। ये शब्द आप मत भूलिएगा, दुनिया के सारे एल्गी यूकैरियोटिक होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, और अगर आप इतना सीख लेंगे तो दे आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर देह में भी मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर में आपके सामने एग्जांपल आपके सामने कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। सो मॉर्फोलॉजी के बाद पहली बार एल्गी में हम लोग एनाटॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कभी एनाटॉमी को डिस्कस नहीं किया। सो चलिए एल्गी में एनाटॉमी के रूप में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। एनाटॉमी में हम एल्गी का सेलुलर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर। कि ये सेल कैसे बनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल द एल्गी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड एवरी सेल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इट इज अ वैक्यूल। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी में पहुंच गया, दिस पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। ये तो वैक्यूल हो गया, तो ये रहा साइटोप्लाज्म। ओके, एंड नाउ इनके चारों तरफ पाई जाती है सेल वॉल, ये आप कभी ना भूले, दे हैव सेल वॉल अराउंड देमसेल्फ। हैव सेल वॉल, एंड सबसे सुंदर बात है इस सेल वॉल की, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इस सेलुलोज के चारों तरफ याद रखना सेल वॉल के बाहर की तरफ, यानी सेलुलोज की, सेल वॉल की दो लेयर है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज और पेक्टिन। तो कोई तुमसे पूछे सेल वॉल कितनी है, तो आप बोलोगे सेल वॉल एक ही है, एक ही वॉल है, लेकिन इसकी दो लेयर हैं। वन इज आउटर लेयर, सॉरी वन इज नोन एज इनर लेयर,
अंदर वाली लेयर इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड अनादर इज नोन एज आउटर लेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड पेक्टिन और इसी पेक्टोज और पेक्टिन की वजह से इनका नेचर स्लाइमी होता है। अगर किसी भी एल्गी को काई को तुम टच करो तो वो बड़ी चिकनी दिखेगी फिसलन वाली दिखेगी इसी पेक्टोज पेक्टिन की वजह से वो स्लाइमी नेचर की रखती है। तो इनका नेचर जो स्लाइमी है दिस इज ड्यू टू पेक्टोज और पेक्टिन। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेल वॉल दो ओके सो हेयर वी अगेन गो फॉर द सेल वॉल। यही पर हमारा थोड़ा सा सिग्नल काफी गड़बड़ हो जाता है। तो हमने बोला इनर लेयर इज मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इट इज मेडअप ऑफ पेक्टिन और पेक्टोज। ओके तो इनर लेयर इज मेडअप ऑफ सेलुलोज आउटर लेयर इज मेडअप ऑफ पेक्टिन और पेक्टोज। और आपको मालूम है सेलुलोज के बाद जो पेक्टिन और पेक्टोज है इसी की वजह से इसका टच होता है स्लाइमी और स्लाइमी टच होने की वजह से हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा दे हैव स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। बहुत ध्यान से सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफिल का सॉरी क्लोरोफाइसी का। इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स। अलग अलग प्रकार के शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोफाइसी के मेंबर की खास बात है और किसी एल्गी में खास बात नहीं मिलेगी बल्कि क्लोरोफाइसी के मेंबर में खास बात मिलेगी कि इनके पास जो बेटा वो आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे ये द क्लोरोप्लास्ट दे विल बी ऑफ डिफरेंट शेप अलग अलग शेप के मिलेंगे। आप इनमें से कुछ का क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होगा कप शेप्ड कुछ का बेटा रेटिकुलेट शेप्ड होगा कुछ का डिस्क शेप होगा कुछ का गर्डल शेप होगा एटसेट्रा। याद रखना एक एल्गी का चारों सब तरीके के शेप नहीं मिलेंगे किसी एक एल्गी में एक ही प्रकार का शेप मिलेगा। जैसे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। रिबन शेप पाया जाता है स्पायरोगायरा में स्पाइरल पाया जाता है स्पायरोगायरा में गर्डल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में। सो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास रखने की जो क्षमता है यानी अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास रखने की यानी एक बॉडी में एक ही तरीके का होगा लेकिन अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरीके की क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। इनमें से डिफरेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इन क्लोरोप्लास्ट में पाई जाएंगी क्लोरोफिल। और मैं पहले ही बता चुका हूं इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा भूलिएगा मत क्लोरोफिल ए। इसके अलावा इनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल बी इसके अलावा इनमें पाया जाएगा बीटा कैरोटीन। अगर एनाटॉमी से इतनी बात भी आप याद रखते हैं तो आपको काफी काम चल जाएगा। अच्छा अब आपको लगता होगा कि ये मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा दिया क्योंकि ऐसा डायग्राम तो एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं। नो डाउट ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन ये सारी बातें कप से रेटिकुलेट डिस्क से गर्डल से सारी बातें एनसीईआरटी में। तो जब आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो एनाटॉमी में सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ाया हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त पढ़ाया कि इनकी सेल वॉल में इनर लेयर बनी होगी सेलुलोज की आउटर लेयर मिले बनी होगी पेक्टिन और पेक्टोज की। इसके अलावा हमने पढ़ाया इनमें बेटा साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल होगा बीच में सेंट्रल वैक्यूल होगा। इसके अलावा इनमें डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे।
और आपने देखा कि दे में भी डिस्क शेप, दे में भी गर्डल शेप, दे में भी यू नो दैट रिबन शेप, हर एक में सारे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। फिर हमने बोला क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल की कंडीशन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट्स मिलेंगे। सो आप इस तरीके से जान पाएंगे कि कौन कौन से पिगमेंट और कैसे मिल चुके हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो पहला हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा हो गया फॉर्म, तीसरा हो गया मॉर्फोलॉजी, चौथा हो गया एनाटॉमी, पांचवा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहली बात, जस्ट बिकॉज एल्गी हैव क्लोरोफिल और इनके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हम बोलते हैं ये ऑटोट्रॉपिक है। इतना ही नहीं, ये स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल भी रखते हैं, ये खाना बनाने के साथ खाने का स्टोरेज भी करते हैं। और याद रहे, स्टोरेज करते वक्त ये स्टार्च स्टोर करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में, इनके सेल के अंदर पायरिनोइड बॉडी भी पाई जाती है, जिनमें स्टार्च के साथ प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दे हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद की क्लास मैं कल करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।